ऐसे समय पर जब अमेरिका ने पाकिस्तान को आंखें दिखाई हैं, चीन अपने पुराने दोस्त के साथ खड़ा दिख रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बीते डेढ़ दशक में पाकिस्तान को दी गई मदद को मूर्खतापूर्ण फैसला बताया था, जिसके बाद मंगलवार को अमेरिकी प्रशासन ने पाकिस्तान पर डबल गेम खेलने का आरोप लगाया और उसकी 1,621 करोड़ रुपए की आर्थिक मदद रोकने का ऐलान कर दिया। लेकिन ऐसे हालात में पाकिस्तान के सबसे करीबी दोस्त चीन ने उसका साथ देने की बात कही है। पाकिस्तान में मौजूद चीनी दूतावास के प्रवक्ता लिजियान जियाओ ने ट्वीट कर कहा कि चीन हमेशा पाकिस्तान के साथ खड़ा रहेगा और उसका सहयोग जारी रखेगा। लिजियान जियाओ ने ट्वीट किया, जैसा कि हमने पहले भी कई बार कहा है, पाकिस्तान ने चरमपंथ से मुकाबला करने के कई महत्वपूर्ण प्रयास और त्याग किए। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चरमपंथ विरोधी गतिविधियों में भी पाकिस्तान ने महत्वपूर्ण योगदान दिया और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को इसे पहचानना चाहिए। वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान के विदेश मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि पाकिस्तान अपनी भौगोलिक निष्ठा से समझौता नहीं कर सकता है और अपनी जमीन की रक्षा करने में सक्षम है। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान सीमा की तरफ बाड़ लगाने का काम शुरू कर दिया है, क्योंकि हम सीमा पार के आवागमन को विनियमित करना चाहते हैं। इस संबंध में विशेषज्ञों का कहना है कि पाकिस्तान पर ट्रंप की वार के बाद चीन का पाक के पक्ष में आना बेहद लाजमी है, क्योंकि चीन ने पाक के साथ करोड़ों रुपए लगाकर सीपेक की महत्वाकांक्षी परियोजना पर काम कर रहा है। ऐसे में वो पाक का पक्ष नहीं लेकर कोई गलती नहीं करना चाहता। 3 इंडिलिंक्स।